Assalamualaikum friends, welcome back to my channel SFM Vlogs. आप सभी को एक नए से वीडियो में स्वागत है। तो friends, I hope आप अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो अपना बिना किसी टाइम गवाए हम करते हैं अपना Q&A वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हम सवाल उठाने जा रहे हैं वो है जुबैर चक, यानी कि उनका पुराना नाम VB Vlogs, अभी भी व्लॉग से आप उनको जानते हैं। अच्छा, अभी हमारे जुबैर भाई ने ये सवाल किया है, तू खुद को 5 साल बाद कहाँ देखता है एज ए यूट्यूबर, एंड वन वर्ड फॉर मी, बाकी लव यू। सबसे पहले लव यू टू भाई। तो इसने जो हुआ 5 साल बाद में अपने आप को कहाँ देखता हूँ 5 साल बाद, इंशाल्लाह मैं अपने आप को यार 100K तो कंप्लीट हुए होंगे इंशाल्लाह 5 साल के बाद। तो ऐसे ही बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चले आ रहे। तो जो कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारे रोल नंबर 35 का, उनकी भी बहुत अच्छी चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर दो। डिग्री का क्या सोचा भाई? डिग्री ने यार क्या क्या सिखा दिया आप, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। डिग्री का अभी फिलहाल कुछ नहीं, जब कंप्लीट होगी तब देखा जाएगा। तो फिलहाल डिग्री का टोटली कुछ नहीं सोचा। तो आते हैं हम अपने तीसरे सवाल पे, जो कि पूछ रहे हैं हमें सैद मुश्ताक, राइडर 11 कश्मीर के नाम से इनकी चैनल है, इनको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इनका सवाल कुछ टेढ़ा है, लेकिन वो इन विच एज यू हैड योर फर्स्ट रिलेशन एंड विद हूम इट वाज। सो सबसे पहले रिलेशन, वो बचपन था, रिलेशन मेरा आई थिंक 8th या 9th पे स्टार्ट हुआ था। खैर मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भाई FIR कर देंगे फिर अगर मैंने उसका नाम वीडियो में डिस्क्लोज किया तो। प्लीज़ समझ लेना, हाँ समझ ले। सो हम अपना फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और जो कि फोर्थ क्वेश्चन कुछ थोड़ा मेरी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। बट आसिफ फयाज, खिड़की से छलांग का प्लान कैसे आया HOD मैन के रूम में? भाई ये व्लॉगिंग चैनल है, व्लॉग रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना था, वो मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा उसका कि क्या हुआ था उस दिन और कैसे हुआ था। तो आई होप आपको इसको आंसर मिला होगा। तो इसी के साथ हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि बट बुशरा ने पूछा है, हाउ यू मैनेज ऑल थिंग्स टुगेदर इन योर लाइफ। लाइफ का पूरा दस्तूर यही है, स्ट्रगल, ये करना है, इधर से भी आधे को ध्यान देना है, इधर से भी इसको ध्यान देना है और इधर से भी इसको ध्यान देना है, और पूरा चलाना है, क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं करेंगे तो टोटली कुछ नहीं, फिर तो घर बैठे बैठे इसीलिए उससे स्ट्रगल से बेहतर मत नहीं है। सो अब बढ़ने जा रहे हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 5 बट ने पूछा है, वेयर आर यू फ्रॉम, टेल समथिंग अबाउट योर एजुकेशन। बाय द वे Full support to you, man. Thank you very much, Faik. But where are you from? I am from Srinagar. So, dusri baat, tell something about your education. So, I am doing a BTech in Kashmir University branch electric. Baki, love you, Chitu. Apna 7th question, jo humse pucha hai, Kushur blogger ne. YouTube channel start karne ke baad 1K tak kabhi demotivate hue ho? हार्ट, बाय द वे हार्ट, जो कि 1K तक मेरा सफ़र था, बहुत बहुत मुश्किल भरा सफ़र था। देखो सुना गुड गसन में 7 सब्सक्राइबर गसन, टेम्पल सहकार गसन में, ऐसे ही 1K तक मेरा सफ़र रहा। इनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे खींचने की कोशिश की, नीचे गिराने की है क्या, क्योंकि क्या था ना, वो कर नहीं सकते थे, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था वो करने का, उनमें सिर्फ इतना कॉन्फिडेंस था हम दूसरों को टांग खींचे ताकि ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो हमारा 8th क्वेश्चन ये है, होप लाइट मीमीज ने पूछा है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज़ करता हूँ और FCP यूज़ करता हूँ, और बीच बीच में मैं आई मूवीज भी यूज़ कर लेता हूँ। सो हमारा 9th क्वेश्चन है, मीर अंदीप आर्ट्स 2704 अमेजिंग आर्टिस्ट है, हाउ हार्ड इट इज टू अचीव एनीथिंग इफ यू आर मच डेडिकेटेड। अगर मैं इतना डेडिकेटेड हूँ तो मेरे लिए कोई बिग डील नहीं है कि
अचीव करना कुछ, क्योंकि बंदा सिर्फ डेडिकेटेड होना चाहिए मतलब इस काम के लिए, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर काम के लिए इसमें अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, पूरा अपना टाइम इसमें दे रहा हूँ, मैं अभी इसके लिए डेडिकेटेड हूँ, तब जाके तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगा ना कि इसको अचीव मैं कर पाऊँ या इसको मैं प्रॉपर नहीं कर पाऊँ। तो शॉर्ट में डेडिकेटेड रहे किसी चीज़ के लिए, कुछ भी लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। सो हमारा 10th क्वेश्चन पूछा है हमसे कोशिर गो पलारी ने, जो कि है आपका फर्स्ट फोन कौन सा था और कब लिया। जो कि मेरा फर्स्ट फोन था आई थिंक आई वाज इन 7th क्लास, जो कि था X201, मुझे घर वालों ने लेके दिया था X201, वो मेरा फर्स्ट फोन था। और स्कूल में टीचर ने कितना मारा है, टीचर ने बहुत मारा है, जब गलती करता था तब जाके फालतू में टीचर्स ने नहीं मारा है। और कब मारा है भाई याद नहीं है, कितनी बार मारा है तो कब, मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं याद है, यही मैं बता सकता हूँ 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में तो नहीं मारा है, इन्हीं क्लास के दौरान किसी ना किसी टाइम मार पड़ती थी। सो हम अपना 11th क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पूछा है इट्स उर्दू, GF तो होगी, नेम बोलो फैसल भाई। तो मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, आप ये वीडियो देखो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। हमारा 12th क्वेश्चन हमसे पूछा है व्हाइट ग्लोब JK ने, आर यू डूइंग इट फुल टाइम। नो आई एम नॉट डूइंग इट फुल टाइम, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, सो फुल टाइम नहीं है, बस एक शौक है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। और हमारा 13th सवाल सईद एहसान ने पूछा है, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर एंड हु इज योर इंस्पिरेशन, कीप राइजिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच एहसान। जो कि फेवरेट यूट्यूबर्स मेरे बहुत है, मुंबई का लेकर फ्लाइंग बीस्ट, जेट प्रभजोत, VTR लक, ऐसे ही बहुत पीटर मैकेनिक, ऐसे ही बहुत बड़ी लिस्ट है जिनको मैं देखता हूँ। और इंस्पायर मैं इन्हीं सब यूट्यूबर्स से हुआ था, इनको देख देख के मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने बोला जब ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हम अपना 14th सवाल स्टार्ट करते हैं, एडवोकेट मलिक शगुफ्ता ने, वेयर फ्रॉम यू गॉट द इंस्पायरेशन टू बी अ ब्लॉगर और इट्स जस्ट अ हॉबी। मैं जैसे कि इससे पहले वाले सवाल में भी मैंने जो इसका जवाब दिया कि आप इंस्पायर किससे हुए, हम मुझे इंस्पायरेशन कहाँ से मिली, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखकर मैं इंस्पायर हुआ, मैंने बोला कि वो कर सकते हैं तो हम भी ब्लॉगर, मतलब कुछ सारे ब्लॉगर्स हैं मैंने उनको देख उनकी वीडियो देखी और मैंने बोला जब वो कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट ए हॉबी, एक हिसाब से आप वो भी समझ लें। अब हम अपना करने जा रहे हैं 15 क्वेश्चन स्टार्ट, Besides a YouTuber, what is your profession? I think you should try Bollywood bro. भाई नहीं अपना ना YouTube ही ठीक है, जो अपनी छोटी मोटी फैमिली है उतने में ही ठीक। Besides YouTube, what is your profession? भाई I am student, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, BTech कर रहा हूँ मैं, जैसा कि इससे पहले भी मैंने प्रॉपर बोला है। जो कि हमारा अब लास्ट सवाल है, What do you apply to your hairs? देखो मैं अपने बालों में कुछ नहीं लगाता हूँ, जब बीच बीच में वैक्स का, मैं MG5 का वैक्स आता है उसका यूज़ करता हूँ, सो इस वजह से बाल मेरे पूरे खड़े रहते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वाला Q&A सेशन पसंद आया होगा, जितने भी सवाल आप बच रहे हैं वो किसी और Q&A सेशन में मैं आप सबके सामने लाऊंगा। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 50 में से मैंने 15 और 16 उठाए, आई होप आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो मेरी चैनल में नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और जब भी कुछ अगला Q&A सेशन होगा मैं आप सबको ज़रूर अपने कम्युनिटी टैब में इन्फॉर्म करूँगा। वैसे तो कुछ सारे क्वेश्चंस पड़े हुए मेरे पास, पहले मैं उनको ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी ये जवाब देने की, क्योंकि सब क्वेश्चंस के मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, अगर इतने क्वेश्चंस का मैं जवाब देता पूरी वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट की बन जाती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक आपको ये वीडियो पसंद आया
प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर देना। इसी के साथ करते हैं हम अपना ये Q&A वीडियो क्लोज। सी यू देयर, टेक केयर।